हेलो बच्चों, मायसेल्फ संजय सर। यूनिक कंसेप्ट ऑफ फ्री चैनल्स है। आज हम लोग बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जेई नीट और 12 क्लास के लिए। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो आप तैयार हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर, और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चलाइए इसे एक्सप्लेन करने। लेट्स स्टार्ट। चार्ज स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करना है। तो चार्ज मतलब क्या? किसी स्फीयर को आप चार्ज कैसे करेंगे? उसमें चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन आप देते हैं तो चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को उसमें से आप निकाल सकते हैं या दे सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आप किसी स्फीयर को चार्ज कर देते हैं। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है। तो इस स्फीयर को जब भी आप चार्ज देंगे तो क्या होगा? स्फीयर कितने टाइप का हो सकता है? या तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग होगा, है ना। तो कंडक्टिंग मींस क्या? मेटल होगा, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कंडक्टिंग है जिससे करंट फ्लो होता है। और नॉन कंडक्टिंग मींस क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग मींस इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैंडल, वुड, प्लास्टिक, इलास्टिक, ऐसे सब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो दो टाइप का स्फीयर होगा, या तो कंडक्टिंग होगा किसी मेटल का होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। तो दोनों में जब आप चार्ज देंगे तो उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने मेजर कर लिया, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था, याद करिए। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है उस चार्ज के कारण। आप क्या जानते हो पहले से? किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करना आप जानते हैं। अभी क्या कर रहा है? किसी चार्ज्ड स्फीयर के कारण, कोई चार्ज्ड स्फीयर है इसके कारण किसी पॉइंट पे आपको कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो स्फीयर के बाहर हो सकता है। ये जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया, आप किसी सोर्स से इसको चार्ज दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। जब आप इसको चार्ज देंगे तो यह सब इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, है ना। सरफेस पे रिसाइड्स करता है चार्ज को। अगर आप इंजेक्शन से दे देते हैं ना, इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, कोई सोर्स से आप इसे चार्ज कर दिए, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? क्या अंदर रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये सारे के सारे चार्ज इसके सरफेस पर रिसाइड्स कर जाते हैं, सरफेस पे रुकते हैं। जब भी आप चार्ज देंगे तो ये सरफेस स्फीयर के सरफेस पर ही रुकेगा, ठीक। नॉन कंडक्टिंग में होल सरफेस पे डिपेंड रिसाइड्स करता है। नॉन कंडक्टिंग में ऐसा होता है। तो ऐसा देखा आपने, इसमें कहाँ कहाँ पे आपको पोटेंशियल मेजर करना पड़ेगा? थ्री पॉइंट पे। एक तो या तो इसके आउटसाइड में, इस पॉइंट पे आउटसाइड हुआ, या दूसरा इस सरफेस पे, या तीसरा यहां पर इनसाइड, ठीक ना। तो इस यहां पे सरफेस पे या इनसाइड में आपको पोटेंशियल मेजर करना है। यही देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो ये स्फीयर कितने टाइप का होगा पहले वो लिखेंगे। स्फीयर दो टाइप का होगा, कंडक्टिंग स्फीयर पहले, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर जिसे हम क्या कहेंगे?
थिन सेल भी बोलेंगे इसे, थिन सेल। जैसे आप बॉल से खेलते हो ना, गेंद, कस्को गेंद से आप खेलते हो, बॉल से खेलते हो, प्लास्टिक का बॉल आप देखते हो, फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल के अंदर क्या होता है, एयर रहता है, तो अंदर तो खोखला है ना, अंदर चार्ज नहीं है, सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। जब भी आप फुटबॉल आप देखते हो, फुटबॉल में अगर आपने चार्ज दे दिया, फुटबॉल क्या है, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, डायलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग है वो, तो उसमें अगर आप चार्ज दोगे तो उसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा चार्ज, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है। मेटल में भी जब आप चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, होलो स्फीयर कहा गया। दूसरा, जिसी को थिन सेल भी कहते हैं, थिन सेल, ये जो आपने ड्रा किया ना, ये थिन सेल है। दूसरा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है, ठीक। अब ये होलो स्फीयर, ये भी दो टाइप का होगा, कौन सा, कंडक्टिंग होगा या फिर क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग होगा। नॉन कंडक्टिंग, इसी को इंसुलेटिंग भी बोलते हैं, इंसुलेटिंग। या फिर डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ओके बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, कैंडल, पेपर, वुड, इलास्टिक, प्लास्टिक, ये सब होगा। तो नॉन कंडक्टिंग को ही हम इस थ्री नेम्स से कोई भी आप कह सकते हैं, जैसा कंडक्टिंग है। सॉलिड में भी वही होगा, सॉलिड में भी दो टाइप का होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर आप जानते हो ना, जैसे क्रिकेट का बॉल आप देखे हो, क्रिकेट बॉल में क्या होता है, क्या अंदर खोखला होता है, होलो होता है क्या, नहीं, अंदर भी भरा होता है, तो सॉलिड है, फुल सरफेस होता है उसके अंदर, तो इसको बोलेंगे। ये भी दो टाइप का होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग हुआ और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, फिर इसी को इंसुलेटिंग भी बोलेंगे। या फिर डाइलेक्ट्रिक। कितने टाइप का होगा ये स्फीयर, ये हमने ड्रा किया, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ये सब क्या है, ये हमने एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जब आप इसे समझेंगे तभी तो नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करने में इंटरेस्ट आएगा। ये होता क्या है, मैंने बहुत ही शॉर्ट आउट किया है ताकि आप इसे आसानी से सीख सकें, ठीक है ना बच्चों। देखिए, आपने देखा इसमें क्या होगा, किसकी प्रॉपर्टीज, किसके कारण पोटेंशियल सेम आएगा, इस तीनों के कारण, इस तीनों में सेम इवेंट होता है। इस तीनों में क्या होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहे या फिर यहां पर होलो स्फीयर रहे, तो वो कंडक्टिंग, होलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड स्फीयर में क्या हो, कंडक्टिंग हो, इस तीनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जब भी आप चार्ज देंगे, इसमें चार्ज कहां पर डिसाइड करेगा, उसके सरफेस पे, किस तीनों में, इस तीनों में। लेकिन इस पे जब आप चार्ज देंगे ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को जब आप चार्ज देंगे तो क्या होगा, उसके फुल सरफेस पे, इनसाइड एंड आउटसाइड, होल वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होल वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ के बात। तो ये भी लिखेंगे किस किस कंडीशन पे, इसमें
ये कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इसमें सॉलिड स्फीयर के कंडक्टिंग में, इस तीनों पे जो इसकी नंबरिंग कर देता हूं मैं, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर और ये फोर नंबर होगा। वन टू और थ्री के लिए चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस। नेक्स्ट स्टेप होगा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस। किस किस में? तो होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। और किस पे? एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे ठीक ना बच्चों? क्या देखा आपने? चार्ज हमेशा रिसाइड्स करेगा इसके सरफेस पे, इन तीनों के, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये फोर्थ नंबर जो है, इसमें चार्ज कहां पे रिसाइड्स करेगा? व्हेन चार्ज इज गिवन बाय एनी सोर्स, गिवन बाय एनी सोर्स टू स्फीयर या चार्ज्ड स्फीयर, है ना बच्चों? इंटरेस्टिंग है ना ये? देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब चार्ज किसकी बात है? नॉन कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहां पे रिसाइड्स करता है? होल वॉल्यूम पे। ओके, इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर चार्ज
ऑलवेज रिसाइड्स ऑन होल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, है ना, वेस्ट कंसेप्ट तो मन लगाना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने दिया है। इस पे बेस्ड हम लोग इसके कारण पोटेंशियल मेजर करेंगे, जब हमारे इस ये इवेंट हमें समझ में आएगा कि स्फीयर कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप से चार्ज करोगे आप। जब आप इसे अच्छी तरह समझेंगे तभी आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा ना। तो मन लगाइए, मन लगाना पड़ता है बच्चों, मन लग जाने पे आपको इसी से प्यार हो जाएगा, है ना, इतना प्यार हो जाएगा कि आप सब कुछ छोड़कर इसके पीछे लग जाओगे। तो प्यार करो इससे, ये कभी धोखा नहीं देगा, है ना, तुम्हें तो प्यार करते हो ऐसे जो धोखेबाज है, वो तुम्हें कभी काम नहीं आए, है ना। तो इसे इससे प्यार करो, ये आपको पूरा लाइफ बना देगा आपका, ठीक है। ओके, तो चलिए नोट करिए, कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल क्या होगा, तो अनकंडक्टिंग है, इस पर बात करते हैं। स्फीयर सेल की बात पहले, जब भी आप इस पे चार्ज देंगे इसके सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स करेगा, लेकिन अगर आप इसमें सॉलिड स्फीयर है इसके होल वॉल्यूम पे चार्ज रिसाइड्स करेगा। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पॉइंट फ्रॉम कंडक्टिंग कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में क्या क्या होगा, इंसुलेटिंग भी होगा ना, इंसुलेटिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक होलो चार्ज्ड स्फीयर। होलो की बात कर रहे हैं, होलो चार्ज्ड स्फीयर्स। और क्या होगा बच्चों, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया था ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। डायग्राम वाइज मैंने
बताया आपको कि कौन सा कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में, डायलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग, सॉलिड, हॉलो, इन सारे स्फीयर्स में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या कह रहा है, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, है ना, होलो या चार्ज्ड, होलो या सॉलिड स्फीयर, होलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, तो आपको क्या करेंगे आप इसमें, कितने जगह पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं आप, थ्री पॉइंट पे, एक आउटसाइड में, एक सरफेस पे और दूसरा इनसाइड में, है ना। तो चलिए पहले आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है, सॉरी, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, इसमें क्या होगा, एक स्फीयर ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चों, ये एक स्फीयर है, जब हम इस पे चार्ज देंगे, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग भी है, प्लास्टिक का है, इलास्टिक का है, कैंडल का है, या फिर कॉपर का है, आयरन का है, कोई भी स्फीयर है, होलो स्फीयर ही है ये, सॉलिड में भी कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। तो उस पे जब भी आप इसमें चार्ज दोगे, तो चार्ज कहां पे रिसाइड्स करेगा, सरफेस पे, ऑलवेज ये चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड्स करता है। कोई सोर्स से अगर आप ऐसे स्फीयर को चार्ज देंगे, तो ये स्फीयर पे चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे रिसाइड्स करेगा, सरफेस पे ही आकर रुकेगा, अंदर नहीं रुक सकता है। अब इसके कारण आपको किसी पॉइंट पे, इस स्फीयर का रेडियस आप मान लीजिए, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, और यहां से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल मेजर करना है, जो यहां से इस स्फीयर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक ना बच्चों। तो कंडीशन क्या है कि ये आर इस कैपिटल आर से बड़ा होगा, तब तो आउटसाइड होगा ना। सिंस आर ग्रेटर देन आर, आप क्या जानते हो इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास क्या विवांस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर। तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, इस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल मेजर करना ना, तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, एक रिफरेंस पॉइंट लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पॉइंट पी, पोटेंशियल तो मेजर करना पी पे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई रिफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जहां से आपने चार्ज को डिस्प्लेस कराया है, निगेटिव वर्क किया है ना आपने, वहां वर्क किया है, तो एक्सटर्नल सोर्स वर्क करता है ना, तो हम यहां पर एक इन्फिनिटी पॉइंट ले लिए, इन्फिनिटिव है। पहले हमारे पास विपॉन्स क्या है वो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर, ओके, वेक्टर ई डॉट डीआर वेक्टर होता है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर वेक्टर के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लॉन्ग रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर यहां पे मैं बात करूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, लॉन्ग रेडियस,
रेडियली आउटवर्ड होता है ना स्फीयर में, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों। और इस इलेक्ट्रॉन ये है, और डिस्प्लेसमेंट dr, देखिए dr डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसके स्फीयर से इसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट तो इधर ही है ना, cos 0 डिग्री आ जाएगा, रेडियस के लॉन्ग ही पॉइंट को डिस्प्लेस कराया गया है। इधर लाइए या इधर रखिए, कहीं भी रखेंगे तो लॉन्ग द रेडियस ही होगा ना पॉइंट। अब जब ऐसा काम किया आपने तो आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। इन्फिनिटिव से पॉइंट पी तक चार्ज को लाने में जो वर्क किया है आपने वही पोटेंशियल होता है। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव से पी तक लिखेंगे, फाइनल पोजीशन कौन सा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन तो इन्फिनिटिव है लेकिन फाइनल पोजीशन पी है, पी तो फाइन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, वीपी माइनस वी इन्फिनिटिव, ये इनिशियल पोजीशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा। अब इधर क्या होगा, ये जो ईडीआर है कहां से कहां तक आपने डिस्प्लेस कराया, चार्ज को डिस्प्लेस कहां से कहां तक कराया है, इन्फिनिटिव से पी पॉइंट तक, इन्फिनिटिव से पी पॉइंट तक। तो लिमिट क्या रखेंगे आप, इन्फिनिटिव से पॉइंट पी तक रखना पड़ेगा, ठीक ना बच्चों, आ रहा समझ में, अच्छे से समझ रहे होगे। तो देखिए क्या होगा, आप जानते हो इन्फिनिटिव पे, इन्फिनिटिव पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो होता है, वहां फोर्स है ही नहीं तो वर्क होगा कहां से, तो पोटेंशियल इन्फिनिटिव पे जीरो हो जाता है। अब इसे मैं यहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो क्या मिला हमें, VP इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बच्चों EDR और ये इन्फिनिटिव से कहां तक, P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, R है, R डिस्टेंस है ना, इन्फिनिटिव से R तक रखेंगे इसको। यहां पे VP इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, रख दीजिए इन्फिनिटिव से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब तो इंटीग्रेशन है तो इन्फिनिटिव से आर माइनस जो कांस्टेंट है उसे बाहर करिए, वेरिएबल कौन होगा, आर होगा, तो के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है, इन्फिनिटिव से आर वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर होगा। अब इसे मैं क्या लिखूं, माइनस के क्यू, यहां पे क्या होगा आर स्क्वायर का, आर का पावर माइनस टू, कब से कब तक, इन्फिनिटिव से आर तक डी आर होगा। ये तो इंटीग्रेशन आप जानते हो बहुत ही, ये तो कैलकुलेशन है, तो मन लगाइए बच्चों, है ना, कोई भी डिफिकल्ट काम करने में मन किसी को नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है बच्चों, मन लगाना पड़ता है, मन लगाइए, मन लग जाएगा फिर इसी से प्यार हो जाएगा, फिर आपको सब कुछ छोड़ देंगे इसके लिए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसके बिना,
हमेशा मन करे कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ खोज करते रहो, कुछ सोचो इसके बारे में, ठीक ना। तो प्यार करना है तो इससे करिए, ये कभी बेवफा नहीं होगा, है ना, ठीक। लेकिन तुम्हें तो प्यार करना है अपने फ्रेंड से पीछे पीछे घूमना है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें दिमाग लगाइए, माइनस के क्यू आर का पावर क्या होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन, -2 -2 +1 कब से कब तक, इन्फिनिटिव से यार, ठीक। तो आ गया बच्चों माइनस के क्यू आर का पावर -1 और यहां क्या होगा -1। मैं एक एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, जबकि आप जानते हो ऐसे कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हो, मुझे फुल फुल विश्वास है आप लोगों पे। फिर क्या होगा के क्यू यहाँ पे क्या होगा -1/r इन्फिनिटिव से r तक, ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के क्यू और इधर -1/r +1/∞। इन्फिनिटिव का क्या होगा 0। बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये के क्यू वीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू और -1/r क्या आएगा, हमें क्यू को कैपिटल लिखेंगे, ये हो गया आपका के क्यू अपन आर। तो आउटसाइड में पोटेंशियल ये आएगा, है ना समझ में। तो क्या होगा ये, यानी ये आउटसाइड में, आउटसाइड में क्या होगा, ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्डिडेशन है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्डिडेशन होगा स्फीयर के आउटसाइड में। अगर इसे ग्राफ की बात करेंगे वी और आर के बीच, तो आपने देखा ना ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, लेकिन ये इसका सरफेस है। तो सरफेस से बाहर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा होगा भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इस सरफेस से जितने ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप, पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा। अब इसके बाद इनसाइड की बात करता हूं, ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आर है और इससे इधर की ओर डिस्टेंस किसके किसके बीच आपने ड्रा किया, भी और आर के बीच आपने ड्रा किया। तो इससे सरफेस से इधर जब बढ़ेंगे आउटसाइड में तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, आगे ना बच्चों। तो क्या होता है, ओके नोट करिए, होलो कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग होलो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इसके इनसाइड में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। तो आपको पता है ना बच्चों, थ्री पॉइंट पे, थ्री केसेज में, होलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, इस तीनों का केस सेम होता है। तीनों में आउटसाइड और इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मेजर करना है, सरफेस पे थ्री पोजीशन पे मेजर करना है। हेलो बच्चों, अभी हम लोग एक बेस्ट कंसेप्ट करने वाले हैं, होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
हेलो बच्चों, एक बेस्ट कंसेप्ट करने वाले हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है, ठीक ना। तो आइए इनसाइड देखते हैं और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा ये देख रहे हैं। होलो स्फीयर होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या फिर आप इसे क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। क्या देखा आपने, होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्फीयर हो, या फिर सॉलिड स्फीयर में कैसा हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो। सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग का केस अलग हो जाता है। ऐसे तीनों का केस सेम है, सेम कंडीशन आएगा। इस तीनों में जब भी आप होलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो इस पे जब भी आप चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पे रिसाइड्स करेगा ना। किसी सोर्स से जब भी आप ऐसे कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो या नॉन कंडक्टर में, चाहे वो होलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, होलो और सॉलिड में डिफरेंस पता ही है आपको। तो ऐसा अगर होता है तो उस पे जब भी चार्ज देंगे, चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड्स करेगा। फिर पोटेंशियल आप कहां पे मेजर करेंगे, थ्री पोजिशंस पे, कहां कहां पे, आउटसाइड, फिर इसके इनसाइड और फिर इसके सरफेस पे। थ्री पोजिशन पे आपको पोटेंशियल मेजर करना होता है। तो हमने आउटसाइड में एक्सप्लेन कर दिया है, अब हमें एक्सप्लेन करना है इनसाइड और सरफेस पे, ओके। तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर ड्रा करेंगे, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग भी बोलेंगे इसे। इस पे जब हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके सरफेस पर रिसाइड्स करेगा, ओके। इंसुलेटिंग कहेंगे या डाइलेक्ट्रिक कहेंगे या नॉन कंडक्टिंग भी इसे कह सकते हैं, ओके। मेटल पे जब भी आप चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा रिसाइड्स करता है कहां पे, सेंटर सरफेस पे रिसाइड्स करता है, सरफेस पे, होल वॉल्यूम पे नहीं, ठीक। तो इसका रेडियस होगा, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। हमने देखा आउटसाइड में आपने मेजर किया था, ये इसका आउटसाइड पोजीशन था, अब ये इसका सरफेस है यस। और इनसाइड की बात करने वाला हूं, अभी हमारा केसेज है वो इनसाइड। इनसाइड ऑफ स्फीयर क्या होगा,
इनसाइड अगर कहीं पे आप एक पोजिशन पॉइंट पी ले लेते पी लिखते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, आर। जहां भी फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। कैपिटल आर तो इसका रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। तो ठीक, तो क्या होगा यहां पे सरफेस और ये आर डिस्टेंस पे है, इसके इन साइड में इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। क्या होगा, ये आर लेस देन होगा कैपिटल आर से, इस रेडियस से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो छोटा होगा। इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इन साइड में गॉस लॉ से, गॉस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो गॉस थ्योरम से बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, क्यू इनसाइड तो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। तो ऐसे सरफेस, ऐसे स्फीयर के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बताइए इस पॉइंट पी पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिलेशन जानते हो आप, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होता है, उसका हेल्प लेंगे। बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, और यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो माइनस डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। अब क्या जानते हो डिफरेंशिएशन में किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहां कांस्टेंट है ना। तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक ना बच्चों। इनसाइड ऑफ ए स्फीयर V is equal to constant, but since electric field is zero, क्यों constant है, electric field ही नहीं है, यहां पे electric field zero होता है, समझ गए ना, surface के अंदर इन साइड में पोटेंशियल जीरो होगा। बाय इंटीग्रेशन भी आप समझ सकते हो, बाय इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे आप, पहले मैं सरफेस पे बात कर लेता हूं या फिर एस से पी के बीच, एट सरफेस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे क्या होगा, अगर सरफेस की बात करूं ये स्फीयर है, इस पर आपने चार्ज दे दिया, चार्ज हमेशा सरफेस पर डिसाइड करता है,
जब भी आप इसे चार्ज करेंगे, ये तो सेंटर है, तो सेंटर से ये इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए एस मैंने लिखा है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। क्या लगता है, ये आर रेडियस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है क्या, इक्वल है? तो सरफेस पे क्या कंडीशन होगा, आर इज इक्वल टू आर का होगा, ये कंडीशन हो जाएगा। तो ये आर आउटसाइड में जब आप मेजर किए थे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे जब आपने मेजर किया था, वहां पे आर था ये, तो वहां पे कितना आया था पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल आउटसाइड, भी आउटसाइड क्या आया था, के क्यू अपॉन आर आया था, और सरफेस पे तो दोनों ये एक दूसरे के इक्वल है ना, तो सरफेस पे होगा पोटेंशियल, लेकिन वो रेडियस के, रेडियस यहां कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, यानी भी सरफेस पे अगर मैं पूछूं तब क्या बोलेंगे, पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये तो कैपिटल आर होगा, अरे कैपिटल आर होगा जी, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा, ठीक। अब हमें इनसाइड में मेजर करना है बाय इंटीग्रेशन, इनसाइड मेजर करते हैं, क्या लिखेंगे, सेकंड मेथड मानिए, सेकंड मेथड, ऐसे तो आप इसे ही अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब हमें सरफेस पे गिवन है तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके जब इधर कांस्टेंट है, अंदर आपका प्रूफ क्या हुआ है कि अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब वैल्यू कितना होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही इसके अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ना पोटेंशियल में वेरिएशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन देखा आपने, देखिए यहां पे दिया हुआ ना, रेट ऑफ निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्या, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं, आपने देखा कि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, गॉस लॉ से जानते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर यहां पर डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर, इसे इंटीग्रेट करेंगे, कब से कब तक आपको पोटेंशियल चाहिए, इनसाइड कहा जा रहा है, ये सेंटर है, और मान लीजिए इसी के अंदर ये इसका कैपिटल आर है, इसके अंदर में यहां पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है इस पॉइंट पी पे, और सरफेस पे क्या होगा ये पोटेंशियल आपको गिवन है, ये आपने फाइंड आउट कर चुका है, ठीक। तो सरफेस पे पोटेंशियल है यहां पे गिवन है, कब से कब तक पोटेंशियल को मेजर करेंगे आप, सरफेस से पॉइंट पी पे, आउटसाइड में कहां से मेजर किया था, इन्फिनिटिव से पॉइंट पी तक,
और सरफेस पे पी से एस तक, और यहां पर क्या करेंगे एस से पी तक। तो एस से पी तक यहां पे पोटेंशियल जो मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक होगा, एस से पी तक माइनस ईडीआर कहां से कहां तक, एस से पी तक। तो इसमें फाइनल पोजीशन पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल पोजीशन कौन सा है, पी है, और इनिशियल पोजीशन एस है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वीपी माइनस वीएस, यह पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। अब एक बात बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो है। तो यहां पर एस से पी ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू जीरो। तो वीपी इज इक्वल टू वीएस, और वीएस क्या आया है, के क्यू अपॉन आर, ठीक। तो प्रूफ हो गया ना, ये कांस्टेंट होगा और के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा, समझ गए ना बच्चों, है ना बेस्ट कंसेप्ट। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो, या सरफेस पे ये लिख दीजिए, या फिर यहां पर जो आपने देखा कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो पोटेंशियल होगा कितना, तो पोटेंशियल होगा ये के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा। यहां पे प्रूफ हो गया, तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सेल ए एंड सेल बी। ओके, ये दोनों सेल कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक सेल है बच्चों, एक ही सेंटर होगा। एक सेल हुआ, पहला सेल है, इसका रेडियस आर ए लिख देता हूं, इस पे चार्ज भी क्यू दिया हुआ है। एक दूसरा सेल ड्रॉ करेंगे, सेम सेंटर होना चाहिए, कंसेंट्रिक बोला जा रहा है ना, कंसेंट्रिक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, आर बी, ये इसका सेंटर है। इस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, यहां पे क्यू ए और इसको क्यू बी लिख लीजिए, ये बी का सरफेस और ये ए का सरफेस है। तो इसके कारण आपको सरफेस ए और सरफेस बी पे पोटेंशियल मेजर करना है कि क्या होगा। अभी तक जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा उसका यूज करना है। यहां पे क्या करेंगे, सेल में पढ़ा था आपने होलो कंडक्टिंग सेल और नॉन कंडक्टिंग सेल पढ़ा था आपने, क्या करेंगे, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियस के लॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज, डिक्रीज करता है, आपने रिलेशन पढ़ा था ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग, जब इसका डिस्टेंस रेडियस कम करेंगे तो पोटेंशियल ज्यादा, और रेडियस बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये पढ़े थे आप। तो सरफेस ए पे, ए के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका मतलब है कि पोटेंशियल ए का ज्यादा है
और बी का पोटेंशियल कम है, लेकिन रेडियस किसका ज्यादा है? आर का। ए का रेडियस बी के रेडियस से कम है, ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये सब कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्या होगा इसमें? सरफेस ए पे मैं पोटेंशियल लिखने चलता हूं। पहले एक बात बताइए, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या देखा? सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल, सरफेस पे क्या होगा और इसके आउटसाइड में क्या होगा? तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे इसका रेडियस आर है, तो सरफेस पे क्या लिखते हैं? के क्यू बाई, इस सरफेस पे क्यू है, के क्यू बाई आर। लेकिन ये यहां से आर डिस्टेंस पे है पॉइंट, तो आउटसाइड में पोटेंशियल क्या होगा? वी आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। आपको डिसाइड करना है कि कहां पे पोटेंशियल मेजर करना है, तो हमें अभी यहां पे सरफेस पे पूछा जा रहा है सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, देखते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस ए, ए के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल एट सरफेस ए किसके कारण? ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू सेल ए, सेल ए के कारण। पहले सेल ए के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, लिखेंगे इसके कारण, इसके सरफेस पे क्या है पोटेंशियल वो लिखेंगे। इसके बाद अब बी के कारण, बी के कारण भी सेल ए पे, सेल ए पर ही ड्यू टू सेल बी है ना, इसके कारण पोटेंशियल लिखेंगे, क्योंकि आपका ये तीन पोजीशन, थ्री पोजीशन गिवन है ना, थ्री पोजीशन में आपको डिसाइड करना है। तो सेल ए के कारण पोटेंशियल क्या लिखेंगे? सेल ए, ए के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा बोलिए? के क्यू बाई आर ए, के क्यू बाई आर ए प्लस। अब बी के सरफेस पे पोटेंशियल बताना है, इस बी के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? तो बी के सरफेस पे किस चार्ज के कारण? इस चार्ज के कारण इस बी के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे चार्ज क्या है? क्यू ए, और ये इसका आउटसाइड हो रहा है, तो आउटसाइड का डिस्टेंस, यहां पे किसी भी पॉइंट की बात करूं मैं, इसका डिस्टेंस इस सेंटर से क्या होगा? आर बी होगा। इसके कारण इसके इन साइड में ये सरफेस है, इसके इन साइड में सरफेस है, तो ये इन साइड, तो इन साइड में क्या होगा बच्चों? ये ए है, के क्यू बी अपॉन आर बी होगा। अब हमको बी पे लिखना है वी बी इक्वल टू वी बी ड्यू टू सेल ए, सेल बी प्लस वी ए ड्यू टू सेल, किसके कारण? सॉरी, वी पी बी पे ही ए के कारण, ए सेल के कारण पोटेंशियल लिखेंगे। तो ये इसके कारण क्या लगता है आपको? बी तो है अपने जगह पे, के क्यू बी अपॉन आर बी लिखेंगे, प्लस इसके कारण क्या लगता है? बी पे पोटेंशियल मेजर करना है, बी के इनसाइड में चार्ज है, क्यू ए है, तो ए के कारण लिखना है, ए के कारण आपको बी पे लिखना है। क्या लिखेंगे? के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर बी, क्योंकि इसके लिए तो आउटसाइड हो गया ना, इसके लिए ये आउटसाइड हो गया और इसके लिए ये इनसाइड हो गया,
तो इनसाइड में चार्ज कौन सा यूज करेंगे? इनसाइड, इनसाइड में आपको पता है ना, इसके लिए इसके इनसाइड में क्या होगा, इसके सरफेस वाला। लेकिन इस सरफेस के लिए बात करें तो क्या होगा, ये आउटसाइड हो जाएगा ना, आउटसाइड इनसाइड लिख लीजिए। इसके लिए बात करेंगे, ये तो सरफेस पे है सर ए, लेकिन जैसे है इसके बात करिएगा ए पर, तो उससे कारण ये ए बी पे ये इनसाइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, बी पे, बी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेल बी पे कहा जा रहा है, सेल बी, सेल बी पे तो जो भी है आपने लिखा वो। और ए के कारण, ए के लिए क्या है, ये आउटसाइड है, यहां पे ये आउटर सरफेस हो गया। तो आउट सरफेस में क्या लिखेंगे, चार्ज तो ए का रखेंगे लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर किसके बराबर है, आर बी के बराबर है, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बी है बच्चों, समझ गए ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑन सेल, लिखे सेल बी एंड सेल सी। ओके, थ्री कंसेंट्रिक सेल है। पहला सेल देखिए, ये है बच्चों, इस सेल का रेडियस आर है, सरफेस सेल का नेम ए है, चार्ज इस पे क्यू दिया गया। एक दूसरा सेल ड्रॉ किया जाएगा, कंसेंट्रिक है, एक ही सेंटर रहेगा। दूसरा सेल, इस सेल का रेडियस होगा टू आर, ठीक, और ये सेल का नेम होगा बी, इस पे चार्ज है टू क्यू, ठीक ना बच्चों। और नेक्स्ट सेल थ्री कंसेंट्रिक सेल कहा जा रहा है ना, एक और कौन सेल बनाए ड्रॉ करेंगे, एक और सेल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना बच्चों। ये थर्ड सेल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसका रेडियस क्या है फोर आर, और इस पे चार्ज भी क्या है फोर क्यू है, ठीक। तो आपको सेल बी और सेल सी पे पोटेंशियल मेजर करना है। पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, आसपास के चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाता है। तो आइए हम इसमें पहले सेल बी पे पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल एट सेल बी क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू, पहले इस सेल के कारण, सेल ए के कारण बी सेल पे पोटेंशियल बताना है, किसके कारण, ड्यू टू ए, फिर बी पर ही पोटेंशियल बताना है किसके कारण, उसके नियर अबाउट कौन सा सेल है, और कोई सेल है उससे कहां लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल तो इसके पास वाले सेल के कारण आता है, तो ड्यू टू बी पे बताना है, खुद बी के कारण लिखेंगे, और फिर पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी, ठीक ना बच्चों, तभी पोटेंशियल मिल पाएगा आपको। टोटल पोटेंशियल बी पे क्या होगा, एक बात बताइए, इस बी के लिए ए, ए के कारण कह रहा है, तो ए के कारण बी पे पोटेंशियल बताना है,
तो ए के लिए बी क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड। इस ए से इस बी का रेडियस क्या होगा, क्या है रेडियस, यहां से बी का रेडियस 2R है। चार्ज क्या लिखेंगे, किसके कारण लिख रहे हैं आप, ए के कारण, तो ए पे चार्ज क्या है Q, तो के क्यू अपॉन 2R लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्लस यहां पे आप चाहोगे तो यहां आउटसाइड भी लिख सकते हो, आउटसाइड ये सब डिसाइड कर लेना है, आउटसाइड इनसाइड में ही कंफ्यूजन आता है बच्चे को, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब इस बी पे बी के कारण, तो बी पे बी के कारण तो क्या होगा, के और बी पे चार्ज कितना है, 2Q है, के 2Q अपॉन डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 2R होगा, सॉरी 4R है, बी के कारण तो 2R ही होगा, 2R होगा। अब सी के कारण बताना है, तो सी के कारण तो बी सरफेस इनसाइड है, इनसाइड, तो इनसाइड में डिस्टेंस क्या लेते हैं, ये तो इनसाइड हो गया ना, तो इनसाइड में आपको लिखना पड़ेगा के 4Q अपॉन सी का रेडियस जो होगा वही होगा जो सरफेस पे रहता है पोटेंशियल, वही ना इनसाइड भी रह जाता है, तो इनसाइड का केस जब भी आएगा आपको सेम पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही रखना है, उसी का रेडियस लेना है। तो यहां पे होगा 4R, समझ गए ना बच्चों, तो क्या होगा इसमें, कुछ कॉमन होगा क्या, के 2R 2R, के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू अपॉन 2R कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहां पे 1 प्लस यहां पे 2Q, या फिर कंप्लीट ऐड कर दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए, कॉमन क्या लेना है, एलसीएम क्या होगा, 4R 2KQ प्लस यहां पे यहां पर भी 2KQ 4KQ हो जाएगा बच्चों, 4KQ प्लस यहां पे 4R है, यहां पे 4KQ क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 8 2 10 10 KQ डिवाइडेड बाय 4R, तो 5/2 क्या आया बच्चों, 5 KQ/2R है ना, बेस्ट कंसेप्ट। अब बारी है सी पे पोटेंशियल मेजर करने की बच्चों, पोटेंशियल एट सेल सी, तो फिर क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू बीसी किसके कारण, ड्यू टू ए, प्लस फिर बीसी किसके कारण, ड्यू टू बी। अब आपको डिसाइड करना है इनसाइड है या आउटसाइड है, बीसी ड्यू टू सी, तो बताइए ए के लिए सी क्या है, आउटवर्ड है, आउटसाइड है, आउटसाइड, ए के कारण आपको सी पे बताना है, तो आउटसाइड हो गया ना, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R, और चार्ज क्या लिखेंगे, क्यू, के क्यू अपॉन 4R, क्योंकि ये आउटसाइड है बच्चों, आउटसाइड। अब बताइए यहां पे सी पे बी के कारण कर रहा है, तो बी के कारण भी आउटसाइड है, बी के कारण भी आउटसाइड है, तो वो आर बी आर बराबर क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 4R के बराबर, प्लस
ये भी आउटसाइड ही है इसके लिए। मैं क्या लिखूं यहां पे कि 2q के कारण 2q अपन 4r, डिस्टेंस में डाउट नहीं है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं ना है, आउटसाइड में डिस्टेंस r बराबर इसके हो जाता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, b पे है चार्ज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब क्या होगा यहां पे c के कारण, तो c के कारण तो जो खुद का है वही रहेगा, सरफेस पे है k, क्या लिखेगा 4q अपॉन 4r, हर जगह पे 4r आ गया। मतलब क्या बच्चों, 2, 4 और 2, 6 और ये 7q अपॉन 4r, समझ गए ना बच्चों, वेरी इजी है ना। इस तरीके से हम लोग सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए।